हेलो दोस्तों, मैं सतीश आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्ज़ाम ऊर्जा में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑड डेज एंड लीप ईयर। हम देखेंगे जैसे 1700 सालों में 1800 सालों में लीप ईयर कितने होते हैं, ऑड डेज कितने होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हम बात करें कि 100 ईयर्स की, 100, 200, 300 और 400, या 5 विषम दिन होते हैं, इसमें 3 होते हैं, हम चर्चा कर चुके हैं इसके बारे में, यहाँ 1 होता है और यहाँ 0। तो क्वेश्चन बनता है कि 1750 सालों में विषम दिन कितने होते हैं। तो इसका क्या तरीका होता है, आप हमेशा ब्रेक करें 400 के फॉर्मेट में, 400 के फॉर्मेट में ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, 400 × 4 प्लस 100 और प्लस 50, हमें इसी फॉर्मेट में इसको ब्रेक करना है। तो आप देखें यहाँ पर 400 × 4 400 में और 100 में इसलिए ब्रेक किया क्योंकि मेरे पास 400 में विषम दिन है 0 और 100 में विषम दिन है 5, इसलिए मैंने इसको ब्रेक किया है। ठीक है, 50 की बात करें, ये 50 साल एक्स्ट्रा हैं। ठीक है, अब यहाँ 50 साल हमारे पास नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, इन 50 सालों में भी विषम दिन निकालेंगे। लेकिन आप ध्यान दें कि इस 50 सालों के अंदर कुछ एक्स्ट्रा डेज मिलेंगे जो लीप ईयर के अंदर 1 डे एक्स्ट्रा आता है। ठीक है ना, तो उसको भी हम देखेंगे। यहाँ कितने लीप ईयर एक्स्ट्रा मिलेंगे, आप 4 का भाग लगाओ, 12 × 4 = 48 होता है, ये 12 आ जाएंगे। ठीक है, तो ये का कैसा आया, लीप ईयर के कारण ऐसा हुआ है। ठीक है ना, अब आप 7 का भाग लगा लो, 400 में विषम दिन 0 होते हैं, 0 × 4 प्लस 100 में विषम दिन कितने होते हैं, 100 में विषम दिन होते हैं 5। यहाँ 50 में 7 का भाग लगाओ, 7 × 7 = 49 बचेगा 1। 12 में 7 का भाग लगाओगे तो 7 × 7 बचेगा 5। तो टोटल कर लो आप इसको, 5 और 5 = 10 और 1 = 11, तो ये आ रहा टोटल आपके पास 11। अब ये 7 से ज़्यादा, फिर 7 का भाग लगा सकते हैं, 11 में 7 का भाग लगाओ, कितना विषम दिन आएगा आपके पास, शेषफल आ रहा 4, यही शेषफल क्या बनेगा आपका, विषम दिन बनेगा। क्लियर है, मैं फिर से बता देता हूँ आपको, 750 सालों में विषम दिन निकालने कितने होते हैं। तो 400 के फॉर्मेट में थोड़ा मैंने 400 × 4 = 1600, 100 साल 1700 और 50 1750। अब हमें विषम दिन निकालना है, तो 400 में विषम दिन 0 होते हैं, 100 में 5 होते हैं, 50 में विषम दिन कितने होते हैं ये मालूम नहीं है, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं 7 का भाग लगाकर। लेकिन इन 50 सालों के अंदर कुछ विशेष दिन होते हैं, 29 फरवरी मिलेगी इसके अंदर, तो कितनी 29 फरवरी मिलेगी उसका पता करते हैं हम 4 का भाग लगाकर। तो 12 आया, 4 का भाग लगाया 50 में, 12 आया, यानी 12 लीप ईयर मिलेंगे, तो 12 दिन एक्स्ट्रा मिले हमें। तो 50 में 7 का भाग लगाओगे 1 बचेगा, 12 में 7 का भाग लगाओगे 5 बचेगा, 100 में विषम दिन 5 होते हैं, तो टोटल बन गया ये 11, ये तो 0 हो ही चुका है, हटाओ इसको, 11 में 7 का भाग लगाओगे 4 बनेगा। और देखते हैं 1250, जरूरी नहीं है 50 आए, 1270, 1267 कुछ भी आ सकता है, मैं आपको फॉर्मेट बता रहा हूँ बस। ये हो जाएगा 400 × 3 हो गया आपके 1200 प्लस 50, 50 में लीप ईयर कितने हैं 12, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा, यहाँ तो विषम दिन 0 × 3 और यहाँ पर विषम दिन कितने हो जाएंगे, 50 में 7 का भाग लगाओ 1 बचेगा, 12 में 7 का भाग लगाओ 5 बचेगा, टोटल कितने आए 6, तो आंसर कितना आया आपके पास 6 आ गया। क्लियर है, और देखते हैं 1170, तो मैंने इसको ब्रेक किया 400 × 2 = 800 प्लस 300 हो गया 1100 प्लस 70, ठीक है हो गया आपका 1170। 70 में 4 का भाग लगाओ कितनी बार गया, 4 × 4 कितना बचा 3, 30, 7 × 4 = 28, 17 एक्स्ट्रा मिलेगा, यहाँ 0 आने वाला है, 300 में विषम दिन कितने होते हैं 1, तो ये 1, 70 में 7 का भाग लगाओगे तो पूरा पूरा चल जाएगा, यानी विषम दिन 0। ठीक है, यहाँ विषम दिन कितने आएंगे, 7 × 7 = 14 3 बचे ना, ये लो टोटल आया आपके पास 4, कितने विषम दिन आए आपके पास 4, यही आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। और देखते हैं, पहले मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ 100 के लिए 200 300 400, राइट, इसमें 5, इसमें 3, इसमें 1 और इसमें 0 विषम दिन।
अब जैसे मैंने लिखा 970 या 980 लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। तो 400 गुणा 2, ये तो बनेगा 800 प्लस 100, कितना हो गया 100, ठीक है ना, 900 और 1 करोड़ बचा 80। यस, 80 में कितने लीप ईयर होंगे, 4 का भाग लगाओ 20 होंगे। अब 7 का भाग लगा लो विषम दिन निकालने के लिए, इसके लिए तो 0 आना है, हटाओ। 100 साल में कितने होते हैं 5, यहाँ 7 का भाग लगाओ, 7 एकम 7 10, वापस से 7 एकम 7 यानी 11 बढ़ गया 77, बचा 3, 3 विषम दिन, 7 दूनी 14 बचा 6, तो 6 और 3 9, 9 और 5 14, 14 में 7 का भाग लगाओ, शेषफल 0 मिलेगा। शेषफल 0 का मतलब ये विषम दिन यानी ऑड डे कितना मिलेगा आपको, 0 मिलने वाला है, क्लियर है, विषम दिन 0 आएगा। तो इस प्रकार हम विषम दिन कैलकुलेट कर सकते हैं कितने भी ईयर दिए गए हों। जैसे आपको दिया गया है 1350, तो 400 गुणा 3, तो 400 गुणा 3 तो 1200 और 100 और जोड़ दो कितना हो गया 1300, ठीक है ना, प्लस 50। अब 50 में 4 का भाग लगाओ, कितनी बार गया 12 बार, लीप ईयर के लिए होता ही है, ठीक है ना। तो यहाँ 0 आना है, 100 के लिए 5 आएगा, 50 में 7 का भाग लगाओगे तो 1 बचेगा, 12 में 7 का भाग लगाओगे तो 5 बचेगा, 5 5 10 और 1 11, 11 में 7 का भाग लगा लो, ठीक है ना, 11 में अगर 7 का भाग लगाएंगे कितना बचेगा 4, 4 बचेगा विषम दिन, 4 आ जाएंगे आपके पास, क्लियर है। तो ये तो हुआ तरीका आपका विषम दिन कैलकुलेट करने का। अब हम देखेंगे कि लीप ईयर कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, कोई सा भी ईयर हो उसके लिए लीप ईयर निकाल सकते हैं हम, ठीक है ना। तो उसके लिए चर्चा करते हैं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा 100 200 300 और 400 के लिए। 100 साल में 200 में 300 में और 400 में, यहाँ कितने लीप होते हैं, 100 साल में 24 लीप होते हैं, तो 200 में 24 का डबल 48 और 300 में 24 का 3 गुना 72 और 4 गुना 76 सॉरी 96, लेकिन एक ज़्यादा मिलेगा क्योंकि 400 पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो एक एक्स्ट्रा डे मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि 400 खुद लीप शताब्दी में काउंट होता है, ठीक है ना। ये आएगा 97। अब क्वेश्चन बन सकता है अपना लीप ईयर निकालना है, 1250 में कितने लीप ईयर होते हैं, तो देखो 400 गुणा 3 प्लस 50, ठीक है, 400 में कितने लीप ईयर होते हैं 97, तो 97 लीप ईयर होते हैं गुणा 3, 50 साल में कितने लीप ईयर होते हैं 4 का भाग लगा लो, अभी थोड़ी देर पहले देखा था 12 होते हैं, ठीक है ना, 7 21 का 1 हासिल का 2, 9 3 27, 27 और 2 29, ठीक है, प्लस 12, 2 और 1 3, 9 और 1 10 का 0 हासिल का 1, 303। यहाँ पर इस प्रकार से हम लीप ईयर कैलकुलेट कर सकते हैं, लीप ईयर, ठीक है ना। वापस देख लें, 1250 को 400 गुणा 3, 1200 प्लस 50, 400 साल में लीप ईयर है 97, तो 97 × 3 हो गया, 50 साल में कितने लीप ईयर आएंगे 4 का भाग लगाओ 12 बार लीप ईयर होंगे, ठीक है, तो 97 × 3 कर लो, 7 21 का 1 हासिल का 2, 9 3 27, 27 और 2 29, इधर 12 आ जाएगा, ठीक है ना, तो 2 और 1 3, 9 और 1 10 का 0 हासिल का 1, 2 और 1 3, 303 आंसर आ गया आपका, क्लियर है। और देखें 1100 सालों में, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 400 गुणा 2 प्लस 300, 400 में 97 होते हैं गुणा 2 प्लस 300 में 72 होंगे, कितना हो जाएगा, ये 97 है तो ये हो जाएगा 194, ठीक है ना, राइट, प्लस 72, तो 4 और 2 6 9 7 16 का 6 हासिल का 1, ये 266, कितने लीप ईयर होंगे 1100 सालों में, 266 यानी 266 होंगे। कभी भी क्वेश्चन आता है तो हमें इसी प्रकार से कैलकुलेशन करनी होगी। और देख लें क्वेश्चन, 790 कैसे ब्रेक करेंगे, 400 प्लस, ये प्लस है 400, इसको हटाई देता हूँ, 400 प्लस 300 प्लस 90, ऐसे लिखेंगे ना, 400 में कितने लीप ईयर है 97, 300 में कितने हैं 72, 90 में कितने आएंगे, बस भाग लगाना है 4 का, 4 दुनी 8
बचा एक, 10, 4 दूनी 8, 22 मिलेंगे। जोड़ लो आप इनको, 7 दो 7 और 4 11 का एक हासिल का 1, 7 और 2 9 और एक 10, 10 और 9 19, 191 आएगा। तो 191 क्या हो गया आपके पास, लीप ईयर। कितने सालों में, 790 सालों में। क्वेश्चन इसी प्रकार पेपर में आएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपके पास, 1750 सालों में लीप ईयर कितने होंगे। तरीका वही है, 400 × 4 प्लस 100, ये तो हो गया 1700, प्लस 50, ये आपका हो गया टोटल 1750। 400 सालों में कितने होते हैं, 97 × 4 प्लस 100 सालों में 72, 50 सालों में 4 का भाग लगाओ 12 बार जाएगा, तो 728 का 8, हासिल का 2, 9 × 36 और 2 = 38, 388 प्लस 72 और अगर 12 यानी 72 × 10 = 82, 82 × 2 = 84 जोड़ लो, 8 × 4 = 12, 2 हासिल का 1, 8 × 8 = 16 और 1 × 17 = 7 हासिल का 1 और ये 472। तो आपका आंसर आया 472। तो यहाँ पर हमने देखा कि कितनी स्पीड से हमने लीप ईयर भी कैलकुलेट कर लिया। तो अगर आपको सेशन पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। ठीक है, थैंक यू।